हेलो गाइस, नमस्ते, राधे राधे। वेलकम बैक टू आवर चैनल विद न्यू व्लॉग। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मतलब यूके में लोग क्यों मूव करना चाहते हैं। और सब लोग पहले मेरे से पूछते थे कि यूके की लाइफ और इंडिया की लाइफ में क्या डिफरेंस है। तो स्टार्टिंग में जब मैं आई थी तो मैं इतना जल्दी मैंने सब कुछ फील नहीं कर पाया था, बट हाँ अभी मैंने काफ़ी कुछ ऑब्जर्व कर लिया है कि क्या क्या मतलब पॉजिटिव हैं, क्या क्या नेगेटिव हैं, दोनों ही साइड्स हैं। मैं दोनों साइड्स बताऊंगी। वैसे तो मैं मतलब ऑन द कैमरा मैं नहीं बताती हूँ, नेगेटिव साइड्स कम से कम बताती हूँ, बट मैं आज आपको दोनों ही साइड्स बताऊंगी कि क्या क्या यहाँ पे बेनिफिट्स भी बहुत हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ बेनिफिट्स नहीं है, बहुत है, तभी लोग इतना मतलब यूके मूव करना चाहते हैं। तो यूके क्या है, बहुत ही एक्सपेंसिव कंट्री है यूके। मतलब रूम रेंट बहुत ज़्यादा है और मतलब ग्रोसरी प्राइसेस बहुत ज़्यादा है। ये सब लोग बताते हैं कि जब से कोविड आया है उसके बाद से मतलब ये रूम रेंट और मतलब ग्रोसरी प्राइसेस इतने ज़्यादा हाई हो गए, उससे पहले इतना नहीं था। बट ठीक है, जो है वो तो है ही, बट मैं आपको आज ही बताऊंगी कि कितना रूम रेंट वगैरह हम पे करते हैं। नंबर वन, यहाँ पे जो टैक्स है वो बहुत ज़्यादा है। फिर आप लोग कहोगे कि सैलरी अच्छी मिलती है तो टैक्स लगता है तो क्या है, बट मतलब बहुत ज़्यादा टैक्स है। बट हाँ, उस टैक्स के बहुत सारे बेनिफिट हैं कि मतलब बच्चों की एजुकेशन फ्री हो जाती है और मतलब मेडिकल पूरा फ्री है पूरी तरीके से। और यहाँ पे क्या है, मतलब लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। अगर आपके घर पे कोई चीज़ टूट फूट जाती है, आपको कोई प्लम्बर बुलाना है, तो आपको उसको उसका जो मिनिमम चार्जेस है उतना आपको पे करना पड़ेगा। और इनका जो चार्जेस है वो मतलब 1 आवर के हिसाब से होता है कि 1 आवर में आप मतलब आपको कितने कितने पाउंड्स इन्हें पे करने हैं, तो मिनिमम है उतना देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब आप किसी को बुला लो और थोड़ा बहुत चार्ज कर दो और वो ठीक कर देंगे, ऐसा कोई सिस्टम है नहीं। और लोग मतलब यूके क्यों मूव होते हैं, मतलब फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के लिए, बच्चों की एजुकेशन के लिए। काफ़ी अच्छा सिस्टम है, वो मैं अभी आपको बताऊंगी वीडियो में, आप बने रहिए हमारे साथ। और नंबर दो है, यहाँ का जो वेदर है वो बहुत ही डिप्रेस्ड वाला वेदर है। मतलब जब यहाँ पर, वैसे तो थ्रू आउट द ईयर यहाँ पर विंटर्स ही होता है, बट 2-3 महीने यहाँ बोलते हैं कि समर है। तो वो समर में क्या है कि रात को 10-10:30 बजे तक रात ही नहीं होती है, और सर्दियों में उल्टा है। सर्दियों में क्या होता है, दिन में 3 बजे ही मतलब रात हो जाती है। तो मतलब काफ़ी ऐसा लगता है कि मतलब पूरा टाइम लेजी सा फील होता रहता है, क्योंकि बहुत जल्दी ही मतलब रात हो जाती है। तो मतलब हमेशा ऐसा लगता है कुछ काम करने का ज़्यादा मन नहीं करता। तो मतलब काफ़ी डिप्रेस वाला मतलब वेदर है, और रात को मतलब 10:30 बजे तक भी। और हाँ, गर्मियों में मुझे तक तो अभी इतनी गर्मी नहीं लगी कि फ़ैन की ज़रूरत पड़े, तो इतनी गर्मी नहीं पड़ती है ज़्यादा। और हाँ, यहाँ पर आपको सारे काम अपने खुद ही करने पड़ते हैं, चाहे आप बीमार हो। यहाँ पर कोई मेड का सिस्टम नहीं है, हैवी तो मतलब इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा हाई चार्जेस रहते हैं उनके। तो आपको सफाई है, खाना बनाना है, सब काम आपको खुद ही करना है। इवन बच्चों को भी स्कूल लेके जाना है, स्कूल से मतलब लेके आना है, ये सब काम आपको खुद करने पड़ते हैं। मतलब अगर वर्किंग है तो भी काम करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कहीं से भी हेल्प मिल जाए। आपके रिलेटिव्स और होते नहीं है जो आपको कुछ हेल्प कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम है नहीं। और यहाँ पर जो मार्केट है ना, वो बहुत जल्दी क्लोज हो जाता है। मार्केट मतलब शाम को 5 बजे से सारे मार्केट क्लोज हो जाते हैं, 6 बजे सारे। ऐसा नहीं है कि आप मतलब दिन में ड्यूटी कर लो, शाम को आके और खाना वाना खाने के बाद आप मार्केटिंग करने चले जाओ, जैसे इंडिया में 10-11 बजे तक खुला रहता है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो जो आपका वीकेंड होता है, आपको उसी में अपने सारे पेंडिंग काम निपटाने पड़ते हैं, सारी ग्रोसरी शॉपिंग करनी पड़ती है। तो ऐसा कोई मतलब ये थोड़ा सा नहीं सही लगता है कि हम दिन में जॉब करने के बाद और शाम को अपनी सारी शॉपिंग कर लें, तो वो सब यहाँ पर नहीं कर सकते, क्योंकि सारा मार्केट बहुत जल्दी बंद हो जाता है। कुछ ही मॉल्स वगैरह हैं जो मैक्सिमम टाइम है जो 8 बजे तक ओपन रहते हैं, नहीं तो सब 5 बजे, 4:30 बजे, 6 बजे सब बंद हो। और उसका मतलब बंद होने का एक रीज़न है कि मतलब यहाँ की लोग मतलब यहाँ का सिस्टम ऐसा है कि वो लोग चाहते हैं कि मतलब दिन में काम करें और शाम को एटलीस्ट हर कोई अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करे, इसलिए ऐसा सिस्टम रखा गया है। और इसलिए मतलब सारी शॉप्स वगैरह जल्दी बंद कर देते हैं और जल्दी बंद हो जाती है, क्योंकि हर कोई मतलब एन्जॉय करे इवनिंग अपनी फैमिली के साथ। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। मैं मतलब बिहाइंड द कैमरा अगर मैं
देखूं तो मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, वो सब चीज़ें मैं आपको नहीं दिखाती हूँ। लेकिन हाँ, क्योंकि आपको सारे काम खुद से ही करने पड़ते हैं, आपको अपनी ग्रोसरी खुद लेने जानी पड़ेगी क्योंकि डिलीवरी का ऐसा सिस्टम है नहीं, और है भी तो मतलब चार्जेस बहुत ज़्यादा हाई है। उनका कुछ क्राइटेरिया है कि आपको इतना मिनिमम जब आप परचेज करोगे तब वो आपको फ्री डिलीवरी करेंगे, तो ऐसा फ्री डिलीवरी का कम से कम सिस्टम है यहाँ पर, तो इसलिए आपको अपनी ग्रोसरी खुद से ही परचेज करनी पड़ेगी, चाहे वो मतलब छोटी से छोटी चीज़ हो या बड़ी से बड़ी चीज़ हो। और अब मैं आपको यहाँ के पॉजिटिव साइड्स भी बताऊँगी, ऐसा नहीं है कि सब कुछ नेगेटिव है, पॉजिटिव भी है यहाँ पर। मतलब पॉल्यूशन नहीं है, पॉल्यूटेड फ्री कंट्री है ये, और मतलब फ्रेश एयर है, आप किसी भी टाइम बाहर निकलो आपको अच्छी मतलब एकदम फ्रेश एयर मिलती है, तो मतलब काफ़ी एनवायरमेंट काफ़ी अच्छा रहता है उस हिसाब से। एक जो सिस्टम है जो मुझे यहाँ का अच्छा लगता है कि एजुकेशन मतलब बर्थ राइट एजुकेशन है, कि मतलब चाहे वो गरीब का बच्चा हो या अमीर का बच्चा हो, सबको स्कूल जाना ही जाना है। वैसे तो यहाँ ना कोई बहुत गरीब है ना ही कोई बहुत अमीर है ऐसा, क्योंकि यहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा सैलरी है किसी की तो उतना ज़्यादा उसको टैक्स पे करना पड़ता है। मिनिमम टैक्स 22% टैक्स है और मैक्सिमम 50% तक टैक्स है। तो अगर कोई मतलब जितना भी अर्निंग है उसका उसको 50% गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा, और ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं है कि कोई भी टैक्स किसी भी तरीके से बचा सके, ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पर जो मेडिकल सिस्टम है वो भी पूरी तरीके से फ्री है, NHS मतलब फीस पे करनी पड़ती है हमको, और मतलब इसलिए पूरा मेडिकल सिस्टम फ्री होता है। थोड़ा सा यहाँ पर मतलब ऐसा लगता है कि जैसे कि ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स में इतना जल्दी देखते नहीं हैं, और डॉक्टर्स तो बहुत मतलब दूर की बात है। इमरजेंसी सिस्टम के लिए, इमरजेंसी के लिए मतलब बहुत अच्छा सिस्टम है इनका, इमरजेंसी में बहुत जल्दी देखते हैं, प्रेगनेंसी लेडी है उसको और बच्चों के लिए तो काफ़ी अच्छा है। वैसे अगर छोटा मोटा बुखार आ गया है, खांसी जुखाम हो गया है, तो उन सब चीज़ों के लिए मतलब नहीं देखते इतना जल्दी। और अगर आपका बेबी अंडर 5 ईयर है तो मतलब NHS की टीम आती है, बच्चों को ऑब्जर्व करती है, पेरेंट्स से सवाल जवाब करती है, पूछती है, बच्चे को ऑब्जर्व करती है कि मतलब बच्चा कैसे ट्रीट कर रहा है, कैसे खा रहा है, क्या खा रहा है, कितना बोल लेता है, वो सब चीज़। और अगर उनको कुछ प्रॉब्लम लगती है तो वो मतलब उस पर वर्क करते हैं और काफ़ी हेल्प करते हैं पेरेंट्स की। तो ये सिस्टम मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और टाइम टू टाइम वो लोग विजिट करते हैं घर पर आके, बच्चे को देखते भी हैं। और यहाँ पर मतलब डिस्क्रिमिनेशन तो बिल्कुल भी नहीं है, और मतलब काफ़ी कंट्री से लोग रह रहे हैं यहाँ पर, काले भी हैं, गोरे भी हैं, मतलब जो जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं लोग। मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि कोई किसी को देख के हंस रहा है, बातें कर रहा है, वो सब सिस्टम बिल्कुल नहीं है। जो जैसा है वो वैसा रहता है, और कोई उसको देख के कमेंट्स पास नहीं करेगा, और मतलब किसी को किसी से ज़्यादा मतलब नहीं है। और मतलब रिलीजन जिसको जो फॉलो करना है वो करे, जिसको जो नहीं करना है वो ना करे, जिसका जो मन करे वो खाए, जिसका जो मन ना करे वो नहीं खाए, किसी के ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती बिल्कुल। किसी को अगर कोई बीमारी है तो उसको पूरा ट्रीटमेंट मिलता है, ऐसा नहीं है कि उसे ट्रीटमेंट नहीं मिला इसलिए वो मर गया। चाहे कितना महंगे से महंगा ट्रीटमेंट हो, कैसा भी हो, तो बराबर ये लोग मतलब ट्रीटमेंट देते हैं। और UK में ना मतलब ह्यूमन लाइफ को काफ़ी वैल्यू देते हैं लोगों की, मतलब सेफ्टी सिक्योरिटी, मतलब काफ़ी इन सब चीज़ों पे गवर्नमेंट काफ़ी फोकस करती है। ऐसा नहीं है कि मतलब, और रूल भी हैं, इनके रूल हैं, उनको लोग फॉलोअप करते हैं स्ट्रिक्टली, और मतलब अगर नहीं करेंगे तो मतलब उन्हें चार्ज पे करना पड़ेगा। तो और जैसे कि ट्रैफिक रूल भी हैं इनके काफ़ी, तो ये सब चीज़ें के काफ़ी अच्छे सिस्टम है। और मैं ये सब चीज़ें इसलिए बता रही हूँ कि जो कोई अगर मूव कर रहा है UK में, तो मतलब नेगेटिव साइड्स भी हैं, और कि मतलब ऐसा नहीं हो कि वो आए और उनको लगे और हम कहाँ आ गए और हमें सारे काम खुद करने पड़े, तो वो पहले से माइंड मेकअप करके आएंगे कि हाँ ये सब काम हमें खुद से करने हैं वहाँ पर जाके, तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी बिल्कुल भी।
और यहाँ पर सबको इक्वल रखा गया है, मतलब सब एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि गरीब के बच्चे, वैसे तो कुछ गरीब अमीर है नहीं ज़्यादा ऐसा कुछ, बट ऐसा नहीं है कि मतलब गरीबों के लिए अलग स्कूल बनाए गए हैं और जो अमीर लोगों के बच्चे हैं वो अलग स्कूल में पढ़ेंगे, तो ऐसे कुछ स्कूल अलग अलग से नहीं है। गवर्नमेंट के स्कूल हैं, सेम स्कूल हैं, जिसके जो मतलब वैसे तो जो इनके एरिया हैं उनके नियर जो स्कूल हैं तो उनमें अपने बच्चों के एडमिशन आप करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब हम अपनी चॉइस है कि हम तो अपने बच्चे को बहुत दूर पढ़ने के लिए भेजेंगे, ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं है। जो आपके नियर स्कूल होगा तो आपको वहीं अपने बच्चे को एडमिशन कराना होगा। तो गाइज, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और मतलब ऐसा मैं काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको देती रहूँगी। और तो गाइज, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करें, नया चैनल है। और मैं यूके की लाइफ के बारे में ऐसे ही आपको अपडेट देती रहूँगी। और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, ऐसा नहीं है, आपको हर दिन स्ट्रगल करना पड़ेगा, हर दिन आपकी लाइफ में चैलेंज मिलेंगे यहाँ, तो आपको वो सब करके ही लाइफ को आगे मतलब। गाइज देखिए पीछे कितने सुंदर फूल लग रहे हैं। मैं यहाँ पर पार्क में खड़ी थी तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड किया जाए, तो मैंने आपके साथ यूके की लाइफ शेयर की है। आपको कैसी लगी प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें गाइज। ओके गाइज, बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय गाइज।